चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यदि आपको आंसर इसका पता है तो आप बता सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध है नौकायान से, ठीक है, बोट राइडिंग से। वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? नौकायान से, यानी कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है? तो ये देखिए काफ़ी सिंपल अच्छा क्वेश्चन है ये, भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है, इसका आंसर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। तो ये दोस्तों वेटन कप, वेटन कप जो है भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट है ये, ठीक है। देखिए दोस्तों आपके लिए जितने भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ ये जनरल नॉलेज के प्रैक्टिस सेट, तो ये हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अब हमारे साथ सॉल्व ज़रूर किया करें, यदि आपको नहीं आता है तो आप मेरे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके एग्ज़ाम्स के लिए तैयार हो जाएंगे, यदि आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? जिसका आंसर आपको पता है, डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप बता सकते हैं। दोस्तों ये दिया जाता है चिकित्सा क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आपको बता दें, विधान चंद्र राय, बीसी राय का फुल फॉर्म क्या है? विधान चंद्र राय पुरस्कार, इसकी स्थापना हुई थी 1962 में, 1962 में। और राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, इसी दिन ये नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। हमारा अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल और बहुत बार पूछा गया है ये, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर पता है तो आप बताइए, हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दिवस रिलेटेड अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका आंसर यदि आपको पता है तो आप बताइए, किसान दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो ये दोस्तों 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 23 दिसंबर को। देखिए जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह के सम्मान में 23 दिसंबर को प्रतिवर्ष भारत में किसान दिवस मनाया जाता है, ठीक है, किसान दिवस याद रखिएगा 23 दिसंबर को। एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? एशियाई खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? इसका आंसर आपको पता है तो आप ज़रूर बताएं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1951 में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों एशियन गेम्स रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों एशियन गेम्स 1951 में शुरू था नई दिल्ली में, ठीक है, और आपको बता दें दोस्तों कि 18वां एशियन गेम जो हुआ था ये 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 तक जकार्ता तथा पोलेमबैंग इंडोनेशिया में सम्पन्न हुआ, ठीक है। और आपको बता दें कि इसका जो दोस्तों शुभंकर था, याद रखिएगा मैस्कट क्या था एशियन गेम 2018 का, भिन्न भिन्न अतुंग और काका। भिन्न भिन्न एक पक्षी है, अतुंग हिरण है, काका एक सिंह वाला गैंडा है। और दोस्तों 18वें एशियन गेम्स में इसमें 40 खेलों की 465 स्पर्धाएँ हो गई थी, ठीक है। इसमें जो पदक तालिका में नंबर 1 पर था, प्रथम था चीन था टोटल 289 मेडल के साथ, ठीक है, 289 मेडल के साथ चाइना नंबर 1 पर था। यहाँ पे आपको याद कर रखना भारत की स्थिति याद रखी हुई है। तो 18वें एशियन गेम से भारत की बात करें तो भारत 8वें स्थान पर था पदक तालिका में, टोटल दोस्तों 69 मेडल के साथ। इसमें 15 स्वर्ण थे, 24 रजत थे और 30 कांस्य, टोटल 69 मेडल के साथ भारत 8वें स्थान पर था। और भारत का दोस्तों अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा एशियन गेम्स से रिलेटेड, भारतीय ध्वजवाहक कौन थे एशियन गेम्स में? तो एशियन गेम्स में भारतीय उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे नीरज चोपड़ा, जो कि एक जैवलिन थ्रोवर हैं, जबकि समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थी रानी रामपाल, जो भारतीय महिला हॉकी कप्तान है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, इंडोनेशिया, ये दूसरी बार आयोजन हुआ है इसमें, और इससे पहले इंडोनेशिया में खेला गया था एशियन गेम्स 1962 में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड किसको मिला था एशियन गेम्स में? रिकाको इकी को, जो कि जापान की तैराक हैं, ठीक है, रिकाको इकी को, जो कि जापान की तैराक हैं। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा। और एशियन ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ये दोस्तों शेख अहमद, ठीक है, एशियन ओलंपिक गेम्स के, एशियन ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष हैं ये। तो इतने सारे फैक्ट आप ज़रूर याद रखिएगा एशियन गेम 2018 से रिलेटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एशियन खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ था? 1951 में। और अभी हाल में कहाँ हुआ, लेटेस्ट का याद रखिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता तथा पोलेमबैंग शहरों में हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी कारण पीला होता है? तो गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी कारण पीला होता है?
करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, कैरोटीन के कारण। ठीक है, जो गाय के दूध का रंग पीला होता है उसमें कैरोटीन की वजह से पीला होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन का संबंध रक्त के थक्का से है? आपको बताना है कि इसमें किस विटामिन का संबंध जो रक्त के थक्का से है। काफ़ी सिंपल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन के की। ठीक है, ऑप्शन डी। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, रेलवे एग्जाम में पूछा गया था अभी हाल में। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं, ये बनता है दोस्तों रेटिना पर। ठीक है, ऑप्शन डी, रेटिना पर बनता है। ठीक है, आँख के किस भाग का वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, व्हेल शार्क। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 206। टोटल 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झूठा सोना है जिसको बेवकूफ़ों का सोना के नाम से भी जाना जाता है, झूठा सोना के नाम से कौन सा जाना जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, फटाफट राइट आंसर आप बता सकते हैं। तो आयरन सल्फाइड को दोस्तों झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, झूठा सोना, आयरन सल्फाइड। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि एक मस्जिद है, राजस्थान में स्थित है, अजमेर में। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अजमेर राजस्थान। आपको बता दें कि संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये याद रखिए। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर राजस्थान में, मस्जिद। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? ये तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है कि मधुबनी जो लोक कला है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये है दोस्तों बिहार से। ठीक है, ऑप्शन सी, बिहार से। मधुबनी लोक कला का संबंध किस राज्य से है? बिहार से है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो ये है दोस्तों आलू उत्पादन से। जबकि हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध है फसल उत्पादन से। ठीक है, गेहूं के उत्पादन से सबसे ज़्यादा संबंधित है, गेहूं और चावल का इसमें प्रभाव पड़ा था हरित क्रांति में। और आपको बता दें दोस्तों कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1967-68 में। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। ठीक है, जबकि विश्व स्तर पर बात करें तो विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक जनक थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग थे हरित क्रांति के जनक विश्व स्तर पर। और भारत में कौन थे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1967-68 में, ये याद रखिएगा फैक्ट। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी बहुदेशी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी बहुदेशी नदी घाटी परियोजना है, इसका आंसर आपको पता है तो आप बता सकते हैं, ये है भाखड़ा नांगल परियोजना, ऑप्शन बी। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, ऑप्शन ए। वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति। संविधान में, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किया गया था? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किया गया था? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1976 में। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों का कब हुआ था? 1976 में। वर्तमान में भारत में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो मूल कर्तव्य टोटल 11 है। आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? पुस्तक से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा आता है एग्जाम में, तो आप बताइए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, तो ये थे दोस्तों जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस जीके क्विज। आई होप आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे।